The question is, what is the polar form of the complex number iota raised to the power 25 total raised to the power 3? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन है, दैट इज आयोटा रेस टू द पावर 25 एंड टोटल रेस टू द पावर 3। अगर आप चाहें तो फर्दर इसे लिख सकते हैं, आयोटा रेस टू द पावर 4 इंटू 6 विच इज 24 प्लस 1 एंड टोटल रेस टू द पावर 3। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 जो है वो आपका 1 के इक्वल होता है। मींस जब आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा रेस टू द पावर 4 टोटल रेस टू द पावर 6 इंटू इंटू आयोटा एंड टोटल रेस टू द पावर 3। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा की पावर जो 4 है ये आपका 1 के इक्वल होता है, और इन केस अगर ये डाटा 1 के इक्वल है तो आप अब इसे लिख सकते हैं 1 इंटू आयोटा एंड टोटल रेस टू द पावर 3, जो कि सिंपली आयोटा रेस टू द पावर 3 बनेगा। और आयोटा रेस टू द पावर 3 की बात करें तो ये बराबर होता है माइनस आयोटा के। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप गिविन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। तो जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसका सेंस ये है कि आपको इसे लेके आना है इस फॉर्मेट में, विच इज आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और मुझे पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये जो माइनस आयोटा है आप इसे लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट, और राइट हैंड में आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो ऐसा तब होता है जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो। मींस आप लिख सकते हैं कि आर कॉस थीटा दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, और आर साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो ये क्वांटिटी हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होगी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग और एडिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप दोनों इक्वेशनों का स्क्वायर करके अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर 0 प्लस 1। और लेफ्ट में आप इसे लिख सकते हैं सिंपली आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इन ब्रैकेट यू आर हैविंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है, और ये वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब आर क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमें कंसिडर करना होता है, विच इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड पार्ट, तो आर तो आपके पास आ चुका है 1। अब बात करेंगे थीटा की, हमें थीटा भी निकालना है। थीटा निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बनेगा टेन थीटा इज योर -1/0, और ये नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन आ रहा है। टेन थीटा नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन तब तैयार करता है जब थीटा या तो आपका पाई बाय 2 हो या फिर थीटा आपका -π/2 हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर पे आप काम कर रहे हैं वो है माइनस आयोटा, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज योर माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को अगर मैं ईलर्स प्लेन में लोकेट करूं तो वो यहाँ पे लाई करता है। दिस लोकेशन इज एक्चुअली 0, -1, जिसको आप इमेजिनरी नंबर को यूज करके सिंपली लिख पाएंगे, दैट इज माइनस आयोटा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप इसके एंगल को चेक करें तो इस एंगल को आप 90 डिग्री नहीं बोल सकते, वी हैव टू राइट इट इट इज -π/2। तो ये आपका आर्गुमेंट है। तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड विच इज और आर, ये आपको 1 मिल रहा है, और थीटा की बात करें तो ये आपको मिल रहा है माइनस के π/2 के। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये आर और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो आर हमारे पास आ रहा है 1, पहले मैं चलिए फॉर्मेट लिख देता हूँ, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आर की वैल्यू आपको 1 मिल रही है और थीटा आपको मिल रहा है -π/2, सो दिस विल बिकम कॉस -π/2 प्लस आयोटा साइन इट इज -π/2, सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन